गाइज़, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। हम शिमला पहुंच गए हैं और आज डे वन है शिमला में। शिमला आने तक की जर्नी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल जाके देखिए। सो अभी हम रेडी हो गए हैं, हमें लंच करने जाना है मॉल रोड पे, बट उससे पहले मैं हमारा रूम टूर करवा देती हूँ। ये आउटर एरिया है हमारे होटल का, DS रेजिडेंसी नेम है। सो हम इसमें एंटर करते हैं तो आपको लॉबी देखने को मिलती है थोड़ी लंबी सी, उसके बाद यहाँ पे इनका रिसेप्शन एरिया आ जाता है और फिर यहाँ पे नीचे ही हमारा रूम है। तो इसका लॉक ओपन करेंगे तो आपको सामने ही बेड दिखेगा, किंग साइड बेड है। लाइटनिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है रूम में और यहाँ फ्रंट में ही LED लगी हुई है। साथ में कबर्ड इसका भी स्पेशियस है। सामने ड्रेसिंग एरिया है, बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। इसके बैक साइड में यहाँ वॉशरूम है और बगल में विंडो है। विंडो के बगल में एक गेट है जिसको आप ओपन करोगे तो बालकनी है। सो बालकनी से व्यू आपको हिल का मिल जाता है। सो एमिनिटीज सारी है रूम में, वाईफाई है, कैटल है, आयरन है, सब कुछ है। सो अभी हमें लंच करने जाना है मॉल रोड पे, तो चलिए चलते हैं। सो हम आ गए हैं बाहर। सो गाइस, हमारा ये होटल थोड़ा हाइट पर है तो इसमें यहाँ आने के लिए 40 स्टेयर्स आपको चढ़ना पड़ता है और जाने के लिए 40 स्टेयर्स उतारना पड़ता है। सो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ का, बट एक्सरसाइज करने वालों के लिए अच्छा है। बट स्टेयर्स आप उतरोगे तो सीधा मेन रोड पर उतरोगे। सो माल रोड जाने के लिए आप बाय रोड भी जा सकते हो, वो लॉन्ग रूट है, बाय स्टेयर्स जा सकते हो, तो उस इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। बट एक यहाँ पे फैसिलिटी है, लिफ्ट बनाई गई है सीधा माल रोड जाने के लिए, तो इसी रोड पर आगे आपको मिल जाएगी। सो वहाँ पर प्राइस आपका 20 रुपये पर पर्सन है लिफ्ट का, और वो आपको सीधा माल रोड पहुंचा देंगे। ये है लेफ्ट, हम यहाँ से सीधा जाएंगे और ये कनेक्टेड है, दो लेफ्ट है, इस लेफ्ट के बाद एक और लेफ्ट है और बीच में ब्रिज बना हुआ है। सो इसके बाद हम सीधा माल रोड पर ही उतरेंगे और ये है, आपको दिख रहा है ब्रिज, ये लंबा सा बहुत बड़ा ब्रिज है, बीच में इस लेफ्ट से और दूसरे लेफ्ट के बीच में कनेक्टेड है। बाय लिफ्ट हम पहुंच गए हैं माल रोड पे। शिमला का माल रोड बहुत ही फेमस है क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है, वेल मेंटेन्ड है। यूरोप सिटी की वाइब आती है शिमला के माल रोड पे। शॉपिंग की आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, खाने की बहुत सारी डिशेस मिल जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट बेकरी यहाँ की बहुत फेमस है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। सो अभी हम यहाँ पे लंच करेंगे और माल रोड के सारे पॉइंट्स हम आपको बाद में कवर करवाएंगे क्योंकि माल रोड हमें डेली विज़िट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे जाकू टेंपल घूमने जाएंगे जो थोड़ा हाइट पर है, बट सबसे पहले अभी हम लंच करेंगे, बहुत तेज़ भूख लगी है गाइस। तो हम घुसे हैं शेरे पंजाब में लंच करने के लिए क्योंकि यहाँ पे खाना अच्छा मिल जाएगा आई होप, और वेजिटेरियन मिल जाएगा। सो हम बैठते हैं हमारी सीट पे और हम ऑर्डर करेंगे कुछ वेजिटेरियन। सो देखते हैं मेन्यू की यहाँ पे क्या बेस्ट मिल रहा है, इनकी क्या स्पेशलिटी है, वो देखते हैं। तो मेन्यू देखकर हमने यहाँ का स्पेशल मंगाया, छोले और तंदूरी रोटी, क्योंकि लगी थी बहुत तेज भूख तो इससे बेटर खाना कुछ हो नहीं सकता था। तो हमने यहाँ पे चने बहुत फेमस थे बट मुझे एवरेज लगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई थे और एवरेज खाना था, बट भूख बहुत तेज लगी थी तो मैंने खा लिया। और फिर अब हमें जाना है जाकू टेम्पल घूमने के लिए जो शिमला के जो माल रोड है उससे काफ़ी हाइट पर है। तो जल्दी से लंच करते हैं गाइस और पहुंचते हैं जाकू टेंपल। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं जाकू टेंपल। अभी इससे स्टेयर्स हमें ऊपर चढ़नी है और उसके बाद मंदिर का गेट आएगा, उस ये है गेट, और इसके अंदर भी अभी चढ़ाई करके फिर हम टेंपल पहुंचेंगे। ये काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पे बहुत ही बंदर देखने को मिलेंगे जो आपका चश्मा वगैरह सब छीन लेते हैं, तो उसे आप बैग में रख के ले जाएं। और हम प्रसाद लेके हनुमान जी का नाम लेके चढ़ते हैं चढ़ाई, यहाँ से द्वार है और आपको अंदर जाना है। और ये है जाकू टेंपल, बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है। चलिए हनुमान जी का दर्शन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और अंदर आपको बहुत ही भीड़ मिलेगी। और देखिए सभी प्रार्थना कर रहे हैं, हम पे बहुत ही पुरानी प्रतिमा रखी हुई है, बहुत ही हाइट पर ये टेंपल है। अभी देखिएगा पूरा फॉग आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा ही रहता है। और यहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है जो
बहुत ही हाइट पर बनी हुई है। ये जाने का गेट है जहाँ से हम आए थे, और ये है हनुमान जी की प्रतिमा। देखिए फॉग में कैसे अंदर छुपी हुई है, इतना बढ़िया सीन दिख रहा है। सो चलिए अब हम वापस माल रोड पे आ गए हैं। सो गाइस, झाकू टेंपल से लौटते हुए हमें हो गई है नाइट, तो हम वापस माल रोड पर आ गए हैं। और नाइट का नज़ारा भी आप देखिए, माल रोड पे आपको ऑल टाइम रश मिलेगा, चाहे आप दिन में आएँ और चाहे रात में आएँ। रात में और ही ब्यूटीफुल लगता है क्योंकि हर जगह लाइटनिंग हो जाती है। सो यहाँ की शॉपिंग आप देख रहे हैं, सारे ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल हैं। लोग अपनी वेडिंग की शॉपिंग शिमला के माल रोड से करने आते हैं स्पेशली। सो यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये क्यूट सा हमें दिख रहा है रेस्टोरेंट, हम यहाँ पे डिनर करने चलते हैं। यहाँ की स्पेशलिटी क्या है मेन्यू देख के पता चलेगा। तो चलते हैं इस रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। यहाँ पे कुछ स्पेशल हिमालयन थाली टाइप से मिल रही है, और स्पेशल बात ये है कि आज हमारी एनिवर्सरी भी है, तो हम कुछ स्पेशल ऑर्डर करने वाले हैं इस रेस्टोरेंट में। फैमिली रेस्टोरेंट है, सब यहाँ पे अंदर डिनर कर रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और कुछ स्पेशल ऑर्डर करते हैं। सो गाइस, हमारा डे वन तो यहीं पर एंड होता है, क्योंकि अब हम होटल हमारे चले जाएंगे डिनर करके। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको आज घूमने में मज़ा आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और आगे के विजिटिंग पॉइंट कवर करने के लिए हमारे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।